अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो CS502 की जो असाइनमेंट्स आप लोगों की थ्री आई हुई हैं उसका सिचुएशन चेक करती हूँ, ठीक है। 26 इसके जो हैं वो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, 27 भी है। हर असाइनमेंट्स के एक्स्ट्रा भी जो ग्रेस डेज होते हैं, ठीक है, 24 घंटे दिए जाते हैं, उसमें भी हम सबमिट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स फाइल आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। उस पर के बाद यहाँ पर जो है टॉपिक क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। एडजेंस लिस्ट के और मैट्रिक्स हुकमैन कोडिंग के हैं। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 दिया हुआ है जिससे आपने मैट्रिक्स बनाना था और एक लिस्ट बनानी थी, ठीक है। उसके बाद ये जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आप लोगों का ये है, ट्री बनाना है आपने इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन से। तो चलिए हम टाइम वेस्ट की जल्दी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि आप लोगों ने कैसे ये सारा जो है बनाना है और आप लोगों के हैंड आउट्स के अंदर से ही जो है ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे आपने लिस्ट बनानी है, कैसे जो है इस ग्राफ से आप लोगों ने मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस यहाँ पे हमें लेटर्स दिए गए और यहाँ पे हमें कोड दिया गया है, तो इस कोड से आपने क्या करना है, एक ट्री जनरेट करना है, ठीक है। जो है सबसे पहले हम जो है यहाँ पे मैट्रिक्स का और जो है हम लिस्ट का देखते हैं कि वो आप लोगों ने कैसे, यहाँ पे मैंने हैंड आउट्स ओपन किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं लेक्चर्स नंबर इसके तो नहीं दिए होते, गिवन टॉपिक्स दिए होते हैं इसके, ठीक है। पेज नंबर 1 जो है, पेज नंबर 100 जो है वो 16 इसका है पेज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से ही क्लियर हो रहा है, ये इतने से जो है वो एक पिक्चर जहाँ पे दी हुई है इसमें उन्होंने लिस्ट बनाना और मैट्रिक्स बनाना बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कि ये देखिए हमारे पास ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो जो है इस ग्राफ से आप लोगों ने जो है वो एक मैट्रिक्स बनाना है और एक लिस्ट बनानी है जो कि हमें यहाँ पे गिवन है ग्राफ, ठीक है। ये देखें ये जो है वो डायरेक्ट ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्राफ को भी आपको पता है कि ये जो एरो है ना, एरो ये डायरेक्ट ग्राफ को शो करते हैं क्योंकि ये एक डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1 से एरो जो है वो 2 की तरफ जा रहा है, तो मीन के जो है ये 1 से 2 पे ही जा रहा है और 2 से भी 3 पे जा रहा है, ठीक है। अगर ये एरो ना हो ना तो फिर इसको हम बोलते हैं अनडायरेक्ट ग्राफ, ठीक है। यानी कि वो 2 से 1 पे भी आ सकता है, 1 से 2 पे भी आ सकते हैं। आई थिंक आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी ग्राफ पता चल गया। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ग्राफ है, तो इस पर क्या दिया हुआ है, ये भी हमारे पास डायरेक्ट ग्राफ है। तो ये देखिए यहाँ से जो है लूप लगा हुआ है, ठीक है, 1 से वो 1 पे ही लूप चल रहा है, ठीक है, 1 से 1 पे एरो आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस तरह बॉक्स बना लेना है, एक टेबल बना लेना, ठीक है। तो जितने यहाँ पे नोड्स होंगी ना, जैसे कि ये 1, 2, 3 यहाँ पे 3 नोड है, तो आपने क्या करना है, टेबल के ऊपर वाली साइड पे भी नोड उतनी जितनी नोड होगी, यानी इस पे 3 है, जितनी भी नोड होगी उनको ऊपर पे भी लिख लेना और यहाँ पे भी लिख लेना साइड पे भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 पे 1 पे आ रहा है, ठीक है, लूप चल रहा है, तो यहाँ पे एरो 1 से 1 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से उसने 1 से ट्रैवल किया कि 1 तक, ठीक है। यानी कि ये भी नोड है और ये भी नोड है, तो वो नोड 1 से 1 पे ही जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 से वो जा रहा है जो है 3 पे भी और 2 पे भी जा रहा है, ठीक है। 1 से 2 पे जाएगा तो यहाँ पे भी 1 और 1 से 3 पे भी जाएगा तो यहाँ पे भी हम, यानी कि वो एरो जिस नोड पे ट्रैवल कर रहा है, जिस नोड पे वो जा रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 राइट कर देंगे और बाकी भी हम क्या करेंगे, 0 राइट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए 2 से हम देखेंगे अगर, तो 2 से 2 पे तो कोई भी नहीं जा रहा ना, है ना, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 0 राइट करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे 2 से 2 पे भी नहीं जा रहा, 2 से 1 पे भी, तो 0 और 2 से जस्ट 3 पे वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है यारो, तो फिर इस वजह से हम 3 में क्या रखेंगे, 1 राइट करेंगे। बिल्कुल इस तरह से आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप लोगों ने इसका मैट्रिक्स ड्रा करना है, ठीक है। मैट्रिक्स बोलते हैं कालिब शेप के जो होते हैं, जैसे कि आप 9th में मैथ में पढ़े होंगे ना, कालिब मैट्रिक्स, तो उस टाइप का जो है आपने इसको करना है ड्रा। उसके बाद यहाँ पे वो लिस्ट दी हुई है, तो लिस्ट तो बहुत आसान बनाना होते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक जो है इस तरह बॉक्स बना लेने हैं। बॉक्स का मतलब ये है कि जितनी नोड होगी उतने आपने यहाँ पे बॉक्स टाइप के बना लेने, ठीक है, नोड की यहाँ पे 1, 2, 3। तो फिर आपने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी आपने इसकी जो है वो एक लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पे भी आपने फिर इनको जो है एरो लगा के वो ड्रा करना है, जिस जिस पे ये एरो जा रहा होगा, 1 से 1 पे जा रहा है तो
1 से 1 पे भी जा रहा है और 1 से 2 पे भी जा रहा है और 1 से 3 पे भी जा रहा है. इस तरह 2 से जस्ट किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है. तो हम यहां पे कॉलम इस मैट्रिक्स के अंदर हम क्या लिख रहे थे, 0 ऐड कर रहे थे जिस पे वो नहीं जा रहा था और बाकी पे हम 1 ऐड कर रहे थे. बट जो है वो इस लिस्ट के अंदर हमने जस्ट जिस पे जा रहा है वही उसी के साथ हमने लिंक करना है, ठीक है, उसी की लिस्ट बनानी. तो उसके बाद यहां पे उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो था वो भी बिल्कुल हैंडआउट से ही है. आप कहेंगे पता नहीं सॉल्यूशन बनाया ही नहीं था, इसे समझाई जानी, तो ये सॉल्यूशन भी है, वो भी आप लोगों को समझाती हूं. तो वैसे मैं इधर से कांसेप्ट के लिए करवा रही हूं क्योंकि आप लोगों के पेपर्स में भी जो असाइनमेंट्स में आती हैं उसमें एक आधा क्वेश्चन जो है बल्कि मतलब एक दो क्वेश्चन जो होती हैं वो हैंड आउट से जो है वो होते हैं, ठीक है, हैंड आउट से कह रही हूँ असाइनमेंट से होते हैं, ठीक है, ये जो आपको असाइनमेंट से होती है वही कंसेप्ट क्लियर और उधर कंसेप्ट चल रहे होते हैं, जस्ट थोड़ा सा वो चेंजिंग करके क्वेश्चन आता है, बाकी वही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. इसका आ जाता है डायरेक्ट ग्राफ जो है, इनडायरेक्ट ग्राफ जो है वो ड्रा करें, लिस्ट बनाएं, जैसे कि ये मैट्रिक्स आया तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन 2 को मार्क्स के आते हैं. उसके बाद हमें ये था इसका दिया हुआ है तो इसका भी हम देखते हैं ट्री किस तरह से आप ड्रा करना है. ये हमें कोड दिया हुआ है तो हमने कोड के मुताबिक जो है वो ट्री ड्रा करना है. यहाँ पे भी हम ट्री को भी जो है देख लेते हैं. ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 101 पे उन्होंने ट्री ड्रा किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सारा समझाया भी हुआ है, ठीक है. तो आप जो है अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी जो है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और देखो रात के जो है 1 बजने वाले और मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोज़ बना रही हूँ, ठीक है, मेरे असाइनमेंट समझी बनाई ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाऊँ, उसके बाद वीडियो बनाई, बहुत मेहनत का काम होता है. तो आप लोग भी हमें प्लीज़ थोड़ी बहुत आउटपुट दिया करें, वीडियो को कम्प्लीट वॉच किया करें और उसके बाद वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आती है. तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी कोई भी ऐसी वीडियो जो है ना हो कि जिसमें मैं आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड ना कर पाऊँ या सलूशन जो है वो रहूँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है, इस तरह का. बल्कि मेरा मकसद ये नहीं कि मैं मुझे व्यू आए, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा काम हो ना वो स्टैंडर्ड लेवल का हो, ठीक है, अच्छा काम हो, ताकि आप लोग देखें तो कुछ सीखें भी और साथ में जो है आप लोगों को मार्क्स भी कटिंग ना हो अच्छा जो है वो, ठीक है, ये मेरी कोशिश होती है. तो मुझे ये नहीं होता कि मैं पहले असाइनमेंट्स बना लूँ ताकि जो है व्यूज़ अच्छे आए, वो ये रात को नींद भी ना आए, गलत सोल्यूशन शेयर करूँ, आप लोगों को भी जो कंसेप्ट क्लियर ना हो पाए. तो जो है आप लोग वीडियो को लाइक किया करें और हमें अच्छे से जो है कमेंट्स किया करें, अच्छी आउटपुट दिया करें, ठीक है. और उसके बाद जो है कुछ कमेंट भी कल आ रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि मैम आप वीडियो ना बनाया करें, कोई फ़ायदा नहीं होता, आप फाइल नहीं देती साथ में, तो जो है हमें खुद ही देख के बनानी पड़ती है वीडियो से. तो देखें ये वो हिसाब हो गया कि पकी पकाई खीर आप लोगों के लिए पड़ी हुई है, जस्ट आप लोग प्लेट में नहीं डाल सकते, तो वो हिसाब है कि देखो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके, इतनी हम अंडरस्टैंडिंग करके उसको समझ के आप लोगों को समझाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेहनत करें, तो जस्ट आप लोग को यहाँ से देख के भी सोल्यूशन नहीं बना सकते. मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने कमेंट पढ़ा तो कि देखो किस तरह के स्टूडेंट, अगर हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड ना करें, ठीक है, आप लोग तो मुझे नहीं लगता आप लोग जो है वो खुद से सोल्यूशन कर पाए, ठीक है. और बच्चे आते भी हैं ऐसे, काफ़ी लोग छोड़ गए हैं सोल्यूशन बनाना, मुझे ये भी पता है, ठीक है, कि काफ़ी लोग सोल्यूशन बनाना छोड़ गए जस्ट आप लोगों के इन बिहेवियर की वजह से, जो आप लोग जो है कमेंटों में बोलते हैं और जो है करते हैं. तो इस तरह ना आप लोग किया करें, कमेंट अच्छा दिया करें और देखा करें कि कितनी मेहनत के लिए. आप देखो हमारी तो कोई असाइनमेंट्स नहीं होती, अगर हमारी अपनी असाइनमेंट्स हो तो फिर तो हमें चलो हो चले हमारी असाइनमेंट्स हैं, हमने तो बनाई, चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दें, मेहनत करनी ही करनी है हमने. तो हमारी ऑलरेडी स्टडी कंप्लीट है, मेरा MCS है, MBU से, तो ऑलरेडी 2 साल पहले किया हुआ है, तो जस्ट आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं. तो आप लोग जो है आउटपुट जब इस तरह की देते हैं, किसी एक बच्चे को जो है वो फाइल ना मिले या हम बिज़ी होने की वजह से जो है वो रिप्लाई ना कर पाएँ, तो फिर वही बच्चा जो है ऐसी बातें करता है कि फिर दिल नहीं करता काम करने को, ठीक है. खैर मुझे कोई नहीं ऐसी बातों से लेना देना, मैं तो बस अपना वर्क जो है वो करती रहती स्लोली बस, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिल जाती है, मुझे ऐसी लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी को बोल ले, जैसे मर्जी गए, ठीक है. और बट मैं ट्राई करूँगी मैं आप लोगों के साथ सॉल्यूशन फाइल जो है वो शेयर किया करूँ, आप लोग जो है ना मैं लिंक दिया करूँगी नीचे नेक्स्ट सेमेस्टर, या अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरी वेबसाइट का थोड़ा सा इशू है, तो वो जो है वेबसाइट पे मैं डाल दिया करूँगी, फिर उधर से आप लोग ले लिया करेंगे सॉल्यूशन फाइल, ठीक है. क्योंकि मेरे पास भी जो है ना ये इस तरह सॉल्यूशन भी मैं दे दूँ, फिर पता नहीं कितने बच्चों ने लेना है और वही यूज़ करते जाना, तो मैं नहीं चाहती मैं कि आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो ज़ाया हों.
तो मैं बातें की जा रही हूँ, आप लोगों को जो है समझा नहीं रही कुछ भी। अच्छा चले देखें, हम इसकी तरफ आते हैं। ये हमने ट्री ड्रा करना था, वहाँ पे हमें कोड दिया हुआ है, ठीक है। या जैसे कि ये कोड हमें गिवन है, तो वहाँ पे भी असाइनमेंट्स में कोड दिया हुआ, तो आपने ट्री ड्रा करना है इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कोड उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नीचे ये देखें कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस कोड से उन्होंने ट्री भी ये ड्रा किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे नोट दी हुई है, नोट से वो क्या कर रहा है, ए पे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसका कोड राइट करेंगे तो 0 आएगा, ऐसे ही यहाँ से करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पे अगर हम इसका करेंगे तो 11 और क्या 0 इसका कोड। ये देखो यहाँ पे भी राइट हुआ हुआ, लास्ट पे 11 जो है वो इसका कोड आएगा। तो ये देखो असाइनमेंट्स आप लोग की हैंड आउट से ही क्लियर हो रही हैं सारी के सारी। लेक्चर लिए हो तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। इतनी टफ असाइनमेंट्स होती हैं, कुछ तो आसान होती लेकिन कुछ बहुत टफ होती हैं। हमारे कई कई घंटे जो हैं वो लग जाते हैं इसको बनाने में, अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो आप लोग जो हैं वो हर किसी को, मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, आप मेरी वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट दें, मुझे ऐसे नहीं। मुझे ये होता है कि हर कोई बंदा मेहनत करता है, तो आप उसकी मेहनत का उसको ज़रूर जो है आउटपुट दिया करें, ठीक है। जिसकी भी वीडियो देखें आप लोग जो है, मेरी ना नेचर कुछ इस तरह की है, मैं कोई भी आज तक मुझे नहीं लगता, मैं जब से यूट्यूब जो है वो चैनल तो अभी बनाया मुझे 1.5 साल हुआ है, लेकिन उससे पहले भी जब भी मैं कोई भी वीडियो देखूँ, मुझे चाहे उसमें समझ आई है या नहीं आई, ठीक है, यानी कि कोई भी होता है ना, मतलब कोई अदर्स वीडियो देखनी हो, तो पहले भी जब मुझे समझ आए या ना मुझे अच्छी लगी कोई, बट मैं लाइक ज़रूर देती होती थी उनको, ठीक है। भाई उनका हक बनता है, उन्होंने हमारा वो पॉइंट होता है कि हमें समझ नहीं आ पा रही, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है समझाने की, हमें अच्छा उसका होता है कि हमें अच्छा प्रोवाइड करूँ आप लोगों को। हर किसी की ये होती है कि मेरी वीडियो अच्छी हो, मैं अच्छा जो है अपने व्यूवर्स को दूँ, लेकिन हमारा जो है वो ध्यान समझते हुए या हमारा जो तरीकाकार है वो शायद हमें समझ नहीं उसका आ रहा होता, बट हर कोई मेहनत कर रहा होता है उसको आप ज़रूर एक लाइक करने से कुछ भी नहीं हो जाता, ठीक है। जस्ट हौसला अफजाई अगले बंदे की होती है, और जो है आप एक सेकंड नहीं लगता शायद वो लाइक करने में, लाइक वाला बटन दबाने में, तो जो है आप लोग फिर भी इतने कमेंट काट जाते हैं। मुझे नहीं लगता मैंने आज तक जो है किसी को कोई बुरा कमेंट किया हो, ना ही बल्कि मैंने लगता क्या मैंने किया ही नहीं कभी किसी को इस तरह का कोई बुरा कमेंट, या फिर जो है किसी को वीडियो देखी लाइक नहीं किया, बल्कि इतने चैनल मैंने खुद सब्सक्राइब किए हुए अपने इसी चैनल से, यूट्यूब चैनल से मैंने किए हुए हैं, ठीक है। और भी जितनी भी जीमेल्स हैं मैंने अदर से काफ़ी लोगों के चैनल जो है वो सब्सक्राइब किए हैं, जिससे मुझे हेल्प मिल रही है, जिससे जो भी कुछ भी मैंने सीखा है। तो होता कुछ भी नहीं है लाइक करने से सब्सक्राइब करने से, बच्चे पता नहीं क्या सोचते हैं कि पता नहीं हम लाइक दें, और बाज़ दफ़ा मुझे बहुत अफसोस होता है, बाज़ दफ़ा मैं किसी को अगर बिज़ी हूँ ना या फाइल मतलब ना दे पाऊँ, तो इस तरह का करते हैं मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे आके कि हम जाके ना आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अनलाइक कर देंगे, और जो है वो तो ये इस तरह की बातें करते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है यार इस तरह करने से क्या मिल जाता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि जो है ना आप लोग इस तरह अगर आप लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे तो आपके यहाँ एक बंदे के अनसब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमें कौन से यहाँ से इतने डॉलर मिल रहे हैं जो आ रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं अभी तक यूट्यूब से जो है हमें आया, तो जो है आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छा सपोर्ट किया, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही कुछ होता है। तो कुछ लोगों की नेचर इस तरह की है, घटिया सोच और घटिया नेचर, और ऐसे लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये सोल्यूशन आप लोगों का, ठीक है। तो जो है आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ में और जो है यहाँ पे मैट्रिक्स ये बनाया है इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट बनाई है, ये देखें 1 से 2 पे जा रहे हैं, इसके 5 नोड है ना इसके अंदर, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक टेबल बनाना है, यहाँ पे भी लिख लेना, तो 1 से 1 पे कहीं पे भी नहीं उसका लूप लगा हुआ है, ये नहीं जा रहा है ग्राफ के अंदर, ठीक है। 1 से 2 पे जा रहा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ऐसे ही 1 से 3 पे जा रहा है, 3 पे नहीं जा रहा, 0 4 पे भी नहीं जा रहा, 5 पे जा रहा है, ये देखें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे देखें 1 से 5 पे जा रहा है और 2 पे जा रहा है, तो हम टेबल के अंदर क्या लिखेंगे, जिस पे जा रहा है वो एरो वो उस पे 1 लिख देंगे, बाकी में 0, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही फिर अगर 2 से देखेंगे तो वो 4 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है और किसी पे नहीं जा रहा,
3 पे और 4 पे जा रहा है, ये देखें इन दोनों पे 1 लिख देंगे, बाकी भी 0। तो इस तरह आपने मैट्रिक्स का ड्रा करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लिस्ट बनानी है, अभी मैं आप लोगों को हर्नर्स में समझा चुकी हूँ, बल्कि आप लोगों को अच्छी खासी समझ आ गई होगी। जस्ट आप अभी ये देख लें कि इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है। ये देखें यहाँ पे आपने बॉक्स बनाने हैं इसके, इस तरह के 5 वो नोड्स ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पे एरो लगाने हैं इसके, और जो है ये आप लोगों ने 1 से 2 पे जा रहा है और 5 पे जा रहा है, इस तरह 2 से 3 पे जा रहा है, 4 पे, तो जस्ट वही लिस्ट आपने अटैच करनी है इसके साथ जिस पर वो जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे इन थोड़ा सा बड़ा कर लूटरी ताकि आप लोग अच्छा नज़र आ जाए, और यहाँ पे ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने ट्री इस तरह से बनाना है कि जो आप लोग को यहाँ पे कोड गिवन है ना, तो वो ट्री बनाए तो यही कोड आप लोगों का जनरेट हो, ठीक है। जैसे कि लेटर ई है, तो यहाँ पे जो है कोड इसका 3-0 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 0-0-1 है, तो जब हम ट्री में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे ही है। तो इसका अगर हम यहाँ पे इसकी नोड है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, तो इस पर हम कोड अगर इसका राइट करें तो यहाँ पे ये देखो 0, 0 और 0, ठीक है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे 1 और फिर 0 फिर 0, ठीक है, इस तरह ए पे ए का कोड आ जाएगा। और अगर टी का कोड लिखना है तो यहाँ पे 0 लेगा और फिर यहाँ पे जो है वो 1 लेगा। तो इस तरह से इसका कोड जो है वो आप लोग जो है राइट हुआ हुआ ऑलरेडी, आप लोग ट्री बनाना है इसका, ठीक है। तो कोड को देखते हुए आप लोगों ने इस तरह का ये ट्री ड्रा कर लेना, ठीक है, इधर से देख के। अब मैं आप लोग बताती हूँ कि आप लोगों ने ट्री जो है वो कैसे ड्रा करना है। आप यहाँ पे गूगल पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आप 1 मिनट में ट्री ड्रा कर सकते, बजाय आप वहाँ पे जो है वो उसके अंदर क्या नाम था उसका वर्ड का या पेड पे बनाएं, वहाँ पर बहुत टफ हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ये ऑनलाइन एक टूल है, आपने यहाँ पे गूगल पे राइट करना है draw.io, ठीक है, draw.io, ठीक है, ये आपने लिख के तो एंटर करना है, ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का जो है वो ओपन होगा। तो उसके बाद जो है इस तरह का आप लोग इसको सेव करके ना, यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं बनाई हुई थी, इस वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरह का ओपन होगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट न्यू पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको कहीं पे सेव कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने यहाँ से पकड़नी है एक नोट, ठीक है, यहाँ पे रख लें और इसका साइज तो वो ठीक कर लें थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके ना इसको कॉपी कर लें, और उसके बाद आप यहाँ से कंट्रोल वी करते जाएँ और इसको उठाते जाएँ, कंट्रोल वी करते जाएँ इसको उठाते जाएँ, कंट्रोल वी करते जाएँ और इसको आप यहाँ पे उठाते जाएंगे और अलग अलग करते जाएंगे इसको नोड को, और ऐसे आप लोग यहाँ पर ट्री बना लेंगे। और यहाँ से फिर इसके साथ आप जो है इसको ये इसका रजिस्टर करवा देंगे, ठीक, अटैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसको काट भी कर सकते हैं, लेकिन ट्री बड़ा बनेगा तो शायद वो मुश्किल हो जाए थोड़ा सा। तो आप यहाँ से फाइल पे जाके इसको इंपोर्ट भी करवा सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट, और यहाँ से PNG फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट करवा लेना, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपोर्ट करवाएंगे तो यहाँ पर ये नाम दे के और यहाँ डिवाइस पर इसको एक्सपोर्ट करवा लेना, ये यहाँ पर आपकी डाउनलोड पोर्शन में चला जाएगा, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, अगर फिर भी कुछ रहता है पूछने वाला तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह टाइम जैसे ही मिलेगा तो आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। और अगर जो है वो अच्छी लगी है वीडियो, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो है फ्रेंड्स के साथ जैसे जैसे शेयर कीजिएगा, और जो है वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि जो है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ फाइल का, आप लोग फाइल डाउनलोड करके अपना सोल्यूशन जो है वो ट्री आप यही ना रखिएगा कोई, आप अपना कलर या इस तरह का कोई अपनी ID मैंशन करके इस तरह इसको चेंज कर लीजिएगा, और इसका ट्री का कलर चेंज कर लीजिएगा जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बना लीजिएगा। तो मैं ट्राई करूँगी, मैं आप लोगों से प्रॉमिस नहीं करती कि मैं यहाँ पे लिंक दूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं जैसे ही वेबसाइट पे मुझे टाइम मिला वेबसाइट पे डाल के तो उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, अगर टाइम मिले, क्योंकि इन दिनों में बहुत बिजी हूँ मैं अभी, तो जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर नीचे डाल दूँ लिंक। सो काफ़ी टाइम हो गया, अगर आप जो है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।